ममता मई श्री राधे माँ जी पहुंच चुकी हैं दिल्ली में अपने भक्तों को पावन दर्शन देने हेतु। ममता मई श्री राधे माँ जी के पावन चरण दिल्ली के वसुधा पे क्या पड़े, मानो इनके भक्तों में एक नई ऊर्जा का संचार हो उठा। सभी भक्तों ने माता जी के जयकारों से मानो पूरा वातावरण ही राधे माँ में कर दिया। जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, जय माता दी, आप जय माता दी, खुशियां पावे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ऊंची बोलो, जय माता दी। बहरहाल आज ममता मई श्री राधे माँ जी अपने परम भक्त अनिल गुप्ता के पुत्र शशांक के विवाह में उपस्थित होने जा रही हैं। शशांक जी का विवाह बरखा जी से होना तय हुआ है और इन दोनों को आज एक साथ ममता मई श्री राधे माँ जी यहाँ उपस्थित हो इन्हें आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली के कड़कड़डुमा में स्थित पर्ल ग्रांड गैलेक्सी बैंकेट में, जहां ममता मई श्री राधे माँ जी का इंतजार भक्तगण बड़े ही बेसब्री से कर रहे हैं। बहरहाल भक्तगणों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। साक्षात ममता मई श्री राधे माँ जी के पावन चरण इस विवाह स्थल पर पड़ते ही सभी भक्तों ने माता जी का जयकारा लगाया और पुष्प वर्षा।
कहते हैं जोड़ियां ऊपर से ईश्वर बना के भेजते हैं और इन जोड़ियों को ममता मई श्री राधे माँ जी का पावन आशीर्वाद मिल जाए तो मानिए सोने में सुहागा। शशांक जी, बरखा जी, आज राधे माँ जी साक्षात यहाँ पे उपस्थित रही हैं, क्या कहना चाहेंगे, आशीर्वाद दिया आप लोगों को? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे गुरु माँ हमारी शादी में आए जी। और हमें बहुत अच्छा लगा, उनकी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बनी रहे जी। हम बहुत बहुत आभारी हैं। बरखा जी, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत 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 अच्छा लगा कि गुरु माँ ने हमें आशीर्वाद दिया हमारी शादी में, हमारी नई जीवन में जी, जिसकी शुरुआत हो रही है आज। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। बहुत अहम दिन है आप दोनों का आज के दिन, और ऐसे टाइम में राधे माँ जी साक्षात यहाँ पधारी जी। तो और क्या कहा जाते हैं, किस तरह का आशीर्वाद देके गई है माता जी? माता जी ने कहा कि आपका जीवन आगे मंगल में हो जी। और आपका जीवन सुखी हो। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि माता जी हमारी शादी में है। बरखा जी, एक शब्द में अगर समेटना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आज को लेकर? आशीर्वाद था, उनकी कृपा थी कि वो यहाँ पर आए और हमें आशीर्वाद दिया हमारे नई जीवन। जय जय माता।